दुनिया की प्रमुख आध्यात्मिक संस्थान ब्रह्म कुमारी 8000 केंद्रों के जरिए करीब 140 देशों में फैली हुई है। संस्थान का मानना है कि कोरोना महामारी के आध्यात्मिक मायने हैं और इससे संसार में तेजी से परिवर्तन होना है। यही वजह है कि संस्थान की ओर से लोगों में आत्मिक बल बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जयपुर के वैशाली नगर सेवा केंद्र पर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सुबह और शाम योग किया जाता है ताकि लोगों में सकारात्मकता का माहौल पैदा हो। ब्रह्म कुमारी चंद्रकला बहन का कहना है कि इस वक्त तो यूं ही जाया नहीं जाने देना चाहिए और इसका इस्तेमाल राजयोग मेडिटेशन को सीखकर अपना आत्मी बल बढ़ाने में करना चाहिए। निकालें, लेकिन मुझे यूं लगता है कि जो मनुष्य का जीवन आपाधापी में था, ये वक्त मिला है हम ये रियलाइज करें कि हमारे कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। श्रेष्ठ कर्मों का फल ही श्रेष्ठ मिलेगा, तो ये कर्मों की स्थिति को हमें समझाता है। इस समय जैसा कि हम देख रहे हैं कि लोग अपने घरों में बंद हैं, सेल्फ आइसोलेशन में भी हैं, इससे लोगों में उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, ये इस समय को वो कैसे सदुपयोग करें? सबसे पहली बात तो है स्वयं में निश्चय रखें और परमात्मा में निश्चय रखें कि जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करेगा आंधी और तूफान। नंबर एक। नंबर दो, अपनी जो कॉन्शियस है इसको हायर बनाएं। हम सारा टाइम वही बातें सुनते, सोचते, कहते हैं, तो जिसको हम नहीं चाहते उसको स्टॉप करें और जो हम चाहते हैं उसको इनवाइट करें। तो हम ये सोचें कि हम भगवान की छत्र छाया में हैं, इसलिए हम सदा सुरक्षित, सदा स्वस्थ हैं, तो आप खुश रहेंगे। योग का एक बहुत सुंदर अर्थ है जोड़। जोड़ माना है संबंध, और वो संबंध चाहिए इस समय स्वयं परम पिता परमात्मा से, जो स्वयं शक्ति दाता है। मनुष्य तो इस समय शक्तिहीन अपने आप को अनुभव कर रहा है, तो शक्ति कहाँ से आएगी? शक्ति दाता सर्वशक्तिवान है। जब हम उससे अपना संबंध योग जोड़ते हैं तो अपने अंदर खुशी भी रहती है, शक्ति भी रहती है, और अपनी मानसिक स्थिति सुदृढ़।